यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीर बाल दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में पवित्र ग्रंथ को अपने सर पर रखकर के गुरु ग्रंथ साहिब को नमन भी किया। लखनऊ में ये कार्यक्रम उनके आधिकारिक आवास पर किया गया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता दी, और यही कारण है कि हम आज इस दिन को सीएम आवास पर एक साथ मना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और जिक्र किया कि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वे भी इस बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि भारत देश आज एक अलग विरासत पर गर्व कर रहा है, और यही कारण है कि दुनिया आज देश को अलग नज़रिए से देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को अब अपने लोगों के साथ साथ उनकी क्षमता, सपनों और आकांक्षाओं पर भी अधिक विश्वास है। उन्होंने दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वीर बाल दिवस केवल भारतीयता का विचार नहीं है, बल्कि विचारों की रक्षा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व और प्रतीक के रूप में है। उन्होंने कहा था कि इस साल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई और ग्रीस ने भी बाल दिवस के रूप में कई जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने सर पर पग भी पहनी और गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर स्थान दिया, जहां पर वे उन्हें सम्मानपूर्वक अपने निवास स्थान तक ले गए। इसके साथ ही आवास पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित भी किया। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। पल पल युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहबजादाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली, और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से पांचवें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान
क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था, और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की। किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की, जहांगीर के अत्याचारों का डटकर के मुकाबला किया, और गुरु तेग एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। और उस समय स्वयं का बलिदान देकर के कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं लेकिन चार चार शहीद साहबजादों के पिता भी हैं। ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है? और यह भी देश और धर्म के लिए। खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, यह हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया आदेश है, एक नया संदेश है। सब कुछ छुट्टी नहीं, हम सबके लिए एक नई परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना, और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है। ये जो कार्यक्रम है, यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में जब मुगल सल्तनत के सामने किसी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, समाज विभाजित था, उस कालखंड में भी उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर, चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य, देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है, और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। यह भारत का इतिहास है। कब भारत चुका है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा, एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज ज्योति पुंज थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी कल भी हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने। लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है,
कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी, उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृतशाली है। और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के चार चार साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं, औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, पूर्णता की हदों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है, हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। बाबा जुजार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। और इस मामले में बार बार इस बात को कहता हूं, महाभारत युद्ध में वीर अभिमन्यु की उम्र क्या थी? मात्र 16 वर्ष। लव और कुश की उम्र क्या थी? जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तब भगवान राम की उम्र क्या थी? भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब कृष्ण की उम्र क्या थी? ध्रुव क्या उम्र थी? यानी एक लंबा इतिहास है। और वीर बाल दिवस के अवसर पर उन वीर बालकों को जो असाधारण कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को इस अवसर पर हमें सम्मानित करने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके वीर साहबजादों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। और हम भी चाहेंगे राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करे, राज्य सरकार भी इसमें लगेगी, चिन्हित किया जाना चाहिए जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उन बच्चों का चयन हो, समारोह में उनका सम्मान हो, उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्मरण कराना चाहिए। चमकौर के युद्ध में जब बाबा अजीत सिंह और बाबा जुजार सिंह शहीद हो रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, बरसात का समय है, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या उम्र थी, लेकिन फिर भी जूझ रहे हैं देश और धर्म के लिए। मुगल सल्तनत तो एक ही बात चाहती थी कि लोग केवल एक बार केवल एक कबूल कर लें कि साहब ठीक है हम आपके अधीन हैं, आगे से कुछ नहीं करेंगे, या फिर बहुत होता है कहते भी तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिसके पीछे जा रहे हैं, लालच में व्यक्ति क्या नहीं कर दे रहा है, लेकिन और उस संकल्प के साथ डटे रहना, यही महानता दिलाती है, महानता यही प्रदान करती है। आज हम सब यहां पर हैं, आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री जी भी वीर बाल दिवस हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे मंत्रिमंडल और मेरे सहयोगियों का सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री आवास पे गुरुवाणी का पाठ आयोजन के माध्यम से हो जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आप सबसे सामूहिक रूप से एक साथ मुलाकात हो जाती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संवाद हो जाता है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, हम सबको अपने इस इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, अपनी इस गौरवशाली परंपरा को और उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उन स्थलों को चिन्हित करना चाहिए, उसके लिए समाज के स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या कार्य होने हैं, हमारा कार्य प्रारंभ होना है। गुरु अर्जन देव जी से जुड़े हुए कोई स्थल है, गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ कोई स्थल है, गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े हुए जो स्थल हैं, इनके बारे में और फिर
अन्य ऐसे महापुरुषों के बारे में, देश के अंदर कभी महाराजा रणजीत सिंह जब शासक बने तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। याद करिए, अगर उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे सोना चढ़ाया तो काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी सोना चढ़ाया। जितना सोना वहां दिया उतना ही काशी में भी दिया। यही नहीं, देश के अंदर आप कहीं भी जाइए, आपको महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा प्रदत्त यह उपहार वहां देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि एक सांझी विरासत है, एक साथ आगे बढ़ी है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हर शिष्य सिख है। जो भी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धावनत है वो अपने आप में एक सिख है, सम्मान का भाव रखता है। और हमें इस परंपरा को और मजबूत करना है जितना कुछ हो सकता है। गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ी सीखे, पौरुष और पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम कैसे किया जाता है, हमें उससे नहीं हटना, क्योंकि हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान बननी चाहिए और उस पहचान को विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए आज तो अच्छी दिशा में आप आए हैं, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। गुरु परंपरा के प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह करता हूं कि गुरु परंपरा के लिए और इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार सदैव आप सबके साथ में है। मैं एक बार फिर से आज वीर साहबजादा दिवस के अवसर पर, जिसे हम वीर बाल दिवस के रूप में आज यहां पर आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अपने सभी सहयोगियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत।